मारो मंगल बिना आई, सपनों की डहरी बदल के बाजिर शहनाई, शहनाई ओ शहनाई। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा सजा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मजा, मजे से लिपटी ये पतंग चुड़ी चुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मेरा दिल भी पतंग छू उड़ी उड़ी जाए। तो दोस्तों बहुत ही एक्साइट होके आ गए थे यहाँ पर काइट फेस्टिवल मनाने के लिए मुंबई से, वो भी सीधा अहमदाबाद। और सूत्रों से पता चला है कि काइट फेस्टिवल तो कल ख़त्म हो गया है। ओ भाई, यहाँ पर सिर्फ अभी कुछ नहीं बचा है, पूरा ख़त्म हो गया है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अभी चलते अंदर, चलते हम थोड़ा बहुत घूमते हैं यहाँ वहाँ, फिर निकलते हैं मुंबई के लिए शाम को। तो दोस्तों काइट फेस्टिवल में हम तब आए जब सब लोग अपने अपने दुकान बंद करके जा रहे हैं। वाह, क्या हुआ? मला थोडी माहिती होता आज संपणार आहे। सच में दोस्तों, मतलब इतना बड़ा स्कैम और इतनी बड़ी, क्या ही बताऊँ मैं अभी। तो दोस्तों इतना बड़ा स्कैम शायद ही किसी के साथ हुआ होगा, क्योंकि मतलब इतने एक्साइट होके आ गए थे काइट फेस्टिवल मनाने के लिए मुंबई से, वो भी, और यश को भी स्पेशली लाया था। लोगों से मैंने पूछा भी काइट फेस्टिवल कब तक है, कब तक है, तो बोले संडे तक है। तो मैंने सोचा कि कल अभी थक हार के आए तो थोड़ा यहाँ वहाँ घूमते और दिन भर सोते थोड़ा सा, तो आराम करते, ट्रेन में भी जनरल में आए, तो इस चक्कर में पूरा फेस्टिवल का तबाही हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। अभी हम हैं साबरमती नदी के पास पे। हिंदी मध्ये नीट नीट नाही तर घालो। एक खत्म हो गया। यश को तो थोड़ा सा सूख यहाँ पे मिल रहा है पतंग उड़ाने का, भाई उड़ा रहा है। गुंतुनों को मान जा थोड़ी सी उड़न। मस्त बिकी, मजा ली। ऐ मजा ली। दोस्तों इसके ऊपर मुझे हंसी भी आ रही है और खुद के ऊपर भी हंसी आ रही है, मतलब स्कैम हो गया है यार, क्या करें अभी। तो अभी मेरा प्लान ये है कि अभी तो हम साबरमती नदी के पास में हैं, ये जो मेरे पीछे है पूरी साबरमती नदी है, जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। बोटिंग वगैरह तो नहीं करेंगे, लेकिन हम चार दरवाजे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे जलेबी फपड़ा खाने, उसके बाद जाएंगे काकरिया तालाब, वहाँ पर भी वो तालाब भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद शाम को हम जाएंगे
और ईश्वर भाई के वहाँ पे उनके पिज्ज़ा शॉप पे पिज्ज़ा वगैरह खाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे मुंबई के। तो ये कुछ आज दिन भर का प्लान है। दोस्तों मेरे पीछे जो फैमिली दिख रही है वो भी पूना से आए थे खास काइट फेस्टिवल के लिए, और उनके साथ भी स्कैम हो गया सेम, मतलब वो भी आज ही आए थे काइट फेस्टिवल के लिए। पता ही नहीं यहाँ पर भी लोगों को यार कब है कब नहीं है। तो दोस्तों अभी मैंने रैपिडो बुक की है पीयूष के घर जाने के लिए, क्या पता हम दोनों को Few moments later. तो दोस्तों प्लान में यहाँ पे आ गया है एक चेंज, अभी पीयूष भाई के गाड़ी में बैठे हैं हम, हो गए हैं वहाँ पे हमारे लस्सी लाने के लिए। तो चेंज ये है कि हम अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पे उनके पिज्ज़ा शॉप पे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो शाम को हमें ट्रेन भी पकड़नी है। बहुत यार कन्फ्यूज़ हो गया हूँ मैं भी अभी, लेकिन देखते आगे आगे क्या प्लानिंग होती है। और हाँ, इसके टेरिस पे मज़ा भी आ गया, पतंग वगैरह हमने थोड़ी सी उड़ाई, ज़्यादा नहीं उड़ाई, ये धूप बहुत निकल गई अभी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद की सबसे फेमस चीज़ खाने के लिए, वहाँ जाकर ही आपको पता लगेगा। और ये जो भीड़ दिख रही है वो यहाँ अहमदाबाद के सबसे फेमस फ्लावर शो के लिए लगी है। तो पीयूष, मैं और उसका दोस्त और लकी, हम चारों लोग जा रहे, चारों नहीं पांचों लोग जा रहे खाने के लिए अहमदाबाद का फेमस ये।
तो दोस्तों इसी के साथ होती है हमारे अहमदाबाद की यहाँ की जर्नी ख़त्म। अभी तो टाइम है, मतलब अभी तक तो हम अहमदाबाद में ही है, टाइम लगेगा स्टेशन जाने के लिए, रात को 8 बजे ट्रेन है, तो तब तक के लिए व्लॉग तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों से मिलके उनके घर पे खाना वाना खा के मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम फिर से हमारे रूम पे आ चुके, कल जिस रूम पे हम रुके थे उस वहाँ से बैग लेके फिर हमें निकलना है अहमदाबाद जंक्शन के लिए, वहाँ से रात को 8 बजे की ट्रेन है, यही सीन है अभी। वेल दोस्तों निकल चुके हैं बैग लेके हमारे अभी स्टेशन जाने के लिए। कैसा लगा यश, कसा वाटलं? एकदम मस्त वाटलं, छान वाटलं ना। अभी नेक्स्ट ईयर आएंगे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, चलो चलते हैं अभी यहाँ से। भाई अहमदाबाद स्टेशन तो आ चुके हैं लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, काश ऑनलाइन टिकट था इसलिए मतलब हम निकाल पाए वहाँ से ATM मशीन से, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। और अभी मुझे टेंशन है ट्रेन में चढ़ने का क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इस ट्रेन में नहीं चढ़े तो दूसरे ट्रेन में चलेंगे, लेकिन जगह मिलनी चाहिए, रात भर की जर्नी है भाई। टेंशन तो इसका है, मुझे लेके जाना है इसको अच्छे से। तो दोस्तों फाइनली यश को और मुझे जगह मिल चुकी है, पूरी ट्रेन खाली है और अभी तक लाइट भी जलाई नहीं है ट्रेन की, 1 घंटे में निकल जाएगी, तब तक कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ मैं क्योंकि रात भर तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो दोस्तों रात के खाने के लिए हमने यहाँ पे छोले पूरी और यहाँ का थेपला ले लिया है, तो इसको अभी खा लेते हैं, चलें ओके। ठीक है बाय बाय दोस्तों, इसी के साथ होती है अहमदाबाद की जर्नी ख़त्म। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।